पोता याद है। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, अरे अल्लाह क्या कसम से, दिल को छू का देने वाली पता शेर। नहीं क्यों मैंने कहा बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, माशाल्लाह। नहीं हूँ बस आ एम कोई गाना नशा सजना दा होंदा है, शराब ते ऐवें बदनाम है, नशा सजना दा होंदा है, एक ही गल भाई। वो लोग कहते कोई, वो समीर जब व्हाइट वेलकम, गल ये मुआशरे हुण इकबाल ने लिखिया ना किताबा बागे दरा वाले जरीले शिकवा जवाबे शिकवा, ओदे विच तो सिंगर कौन था, ऐसे ऐसे कलाम पाए है कि अकल उड़ जाती बंदे दी। नहीं पता है क्या, आजकल लोग यही सुनते तो हमें लगाते थे, मुझे यकीन जाने मुझे ये वाले बिल्कुल पाकिस्तानी गाने, कंट्री पाकिस्तानी गाने मुझे ऊपर से, कंट्री इसका नाम मुझे भी नहीं आ रहा, मैं भी सुन नहीं, इंडिया के भी कौन से अच्छे हैं, अफगान फरेबी माशूक जलेबी, ये क्या गाना है जी। वो किंग कह रहा है कि उस्ताद बहुत पुराना है, मुझे वो नहीं, आंखें खराब हुई, मुझे बहुत फनी है आप। बिल्कुल जी किंग साहब, मेरी किंग जी मेरी 121 साल उम्र है, मेरे माशाल्लाह 26-27 बच्चे आ। आप असल में, मैं ना, मैं नहीं सुनती आजकल के गाने, ये वो गाने, मुझे पुराने जमाने के मतलब हिंदी गाने, कुमार सानू हो गया, लता मंगेशकर हो गई, इनके गाने सुनती हूँ बहुत कम, बस वो भी। लता मंगेशकर ने कोई खराब गाना नहीं गाया, अच्छा मोहम्मद रफी ने भी गाने सोने गाए, ठीक हाँ, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी है ना। गाने। हाँ जी, जिसकी मशहूर जमाना गजल है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वाह क्या बात है, इश्क में हमने ये अंजाम पाया है, टांगे भी तड़वाई हैं सर भी फड़वाया है, जब दोस्तों ने उठा के हमें अस्पताल पहुंचाया है, नर्सों ने देख के ये गीत गाया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मशहूर जमाना गजलें इसकी मोहम्मद रफी की, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मोहम्मद रफी का बड़ा फिट, मशहूर जमाना लोग इसकी इसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज प्यारी थी, नुसरत की प्यारी थी, एक कुमार सानू हो गया, लगाती हूँ एक उसके साथ और है, तो ऐसे काफी सिंगर पड़े हैं। अभी एक लड़का सुलेमान गा रहा है इंडिया से, उसका सॉन्ग आ रहा है ये दुनिया है ये दुनिया है, बहुत प्यारा गाना है उसका। कौन सा, मैंने नहीं सुना, नहीं ये रिसर्च कर लो, अभी आ जाएगा ये दुनिया है ये दुनिया है, आपको यकीन कर लूं कंडे खड़े कर देगा गाना वो। अच्छा मैं सर्च कर लेती हूँ। हाँ जी, आप सुनाओ क्या खाना पसंद करोगी, हम ऑर्डर कर दें। बस आज तो मैंने वैसे वो माछ की दाल खाई है, लेकिन मुझे अभी वो लगता है गैस प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, मुझे बार बार ऐसा लगता है ये जगह बंद हो रही है। अच्छा
ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਜੀ ਦਾਲ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਵੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਥੀ, ਆਜ ਬਸ ਵੋ ਖਾਈ ਹੈ। ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਦਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਰਮੀ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾਲ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾਲ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਮੁਝੇ ਜੋ ਸਾਲਨ ਪਸੰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚਮਚ ਕੇ ਸਾਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਤੀ ਹੂੰ। ਓ ਸਾਇਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਛਾ, ਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚਿਹਰਾ ਵੱਖੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਲਾਮੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਖੇ। ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਵੱਖੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖੇ। ਇਹ ਨਦੀ ਪਈ ਵਗਦੀ ਕਿਨਾਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਸਨਮ ਦੀ ਨੱਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਟੱਲਮ।